जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 9:28 हुए हैं और आज 11 जुलाई है, 11th जुलाई, 9:28 AM, शनिवार है, सैटरडे 13 जुलाई। आजकल आखे कम, आज 13 जुलाई है, 13 जुलाई, 9:29 हो गई है, सैटरडे मॉर्निंग, शनिवार की। और मैं कल ही आया था फ्रॉम जयपुर, तो दोपहर की फ्लाइट से आया था, तो उसके बाद मार्केट लगभग बंद होने वाला था तभी पहुंचा था। तो एनीवे, उसके बाद थोड़ा रेस्ट, कल रेस्ट किया, तो आज मैं सुबह के बाद वॉच कर रहा था मार्केट क्या हुआ इस हफ्ते, क्योंकि आई वॉज एबसेंट फॉर 2-3 डेज। एनीवे, मैं ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ इस पर, सीधा मार्केट की चर्चा पे आए थे, क्योंकि सब लोग उत्सुक हो गए कि कल वीडियो नहीं आया था फ्राइडे नाइट को। जनरली मैं वीकली वीडियो फ्राइडे नाइट को ही बना देता हूँ, लेकिन कल रियल में थका हुआ था, वो थोड़ा सा ये था, थोड़ी तबीयत नरम थी, लेकिन नाउ आई एम फिट। और कल सूरत में ट्रेनिंग है, कल संडे है और कल सूरत में ट्रेनिंग है, और 9:30 स्टार्ट हो जाएगी कल वाली ट्रेनिंग जल्दी, क्योंकि कल वर्ल्ड कप का फाइनल है, इसलिए हम जल्दी करना चाह रहे हैं। एनीवे दोस्तों, कल सूरत की ट्रेनिंग में जेंट्स के लिए सिर्फ 20,000 रुपया और लेडीज़ के लिए सिर्फ 15,000 रुपया, तो जिसको आना हो अभी भी कांटेक्ट कर सकता है। लेट्स कम टू द बिजनेस नाउ। दोस्तों बहुत बेसब्री से सबने इंतज़ार किया होगा, तो मुझे मालूम है, क्योंकि इस हफ्ते मेरे लिए क्या बोलने लायक है वो देखने लायक है। सबसे पहले आप देखिए, जो मंडे था 8 तारीख को, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है ये दोस्तों, दिस इज द डेली चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी, ओके, दिस इज द डेली चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी। तो अगर आप देखो तो मंडे को बैंक निफ्टी ने ओपन किया 31,346 वॉज द ओपनिंग ऑन मंडे, 31,370 का हाई बना के सीधा 30,536 का लो बना दिया, 30,536, यानी कि अगर दिन के हाई से गिनो आप तो 830 पॉइंट बैंक निफ्टी गिरा, 835 पॉइंट्स बैंक निफ्टी फॉलन फ्रॉम द डेज हाई ऑन मंडे। मतलब ये देखिए कितनी गंदी कैंडल बनी है, मतलब ये बियर्स जैसे हावी हो गए, जैसे आपके ऊपर नाच रहे बुल्स के ऊपर, ऐसी कैंडल बनी है मंडे की। चलिए यहाँ तक तो हो गया मंडे की कहानी। आज ये वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको समझाने के लिए मुझे ये वीडियो थोड़ा एक एक शब्द को चुन चुन के बताना पड़ेगा, ताकि आपको समझ में आए आगे करना क्या है, ठीक है। और इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में आज ज़्यादा बात कर रहा हूँ, और आज प्योरली मैं टेक्निकल बातें करूँगा, लास्ट में एक एस्ट्रोलॉजी का पॉइंट बताऊँगा, वो हल्का सा बताऊँगा, फिलहाल मैं टेक्निकली बात कर रहा हूँ। कि ये देखिए इतनी बड़ी भारी, मतलब यहाँ पे बियर्स जैसे लग रहा है एकदम ड्राइविंग सीट पे आ गए, है ना। लेकिन क्या हुआ, अगले दिन मंगलवार को हाई बना 30,702 का और लो बना 30,346 का, 30,346 का लो बना, 702 का हाई बना और 30,346 का लो बना, ये मंगलवार, ठीक है। अब अगर आप बुधवार को जाओ तो बुधवार को आप देखो 728 का हाई बना, मंगलवार का हाई कितना था 702, तो बुधवार का हाई कितना हो गया 728, मंगलवार का लो कितना था 346, बुधवार का लो कितना था 428, तो पहला हायर हाई और हायर लो बना मंगलवार को, किसमें, डेली चार्ट्स में बैंक निफ्टी का पहला। अब अगर आप बुधवार को आ जाते हैं, मंगलवार को तो बना ही था चार्ट, बुधवार को पहला हायर हाई और हायर लो बना डेली चार्ट्स पे। अब बृहस्पतिवार को आ जाते हैं, बृहस्पतिवार को बैंक निफ्टी ने हाई बनाया 30,788 और लो बनाया 30,565, अगेन ये मंगलवार और बुधवार से दोनों से हायर हाई हायर लो है, तो
थर्सडे को अनदर हायर हाई हायर लो, और कल था फ्राइडे, यस्टरडे वाज फ्राइडे, तो कल क्या हुआ 870 का हाई, अनदर हाई हायर हाई, अनदर हायर हाई और हायर लो, क्योंकि 548 का लो बना, 548 का लो बना। अगर आप इसको देखो तो कल ये 548 का जो लो बनाया, इसमें एक ही हल्का सा ये हो गया कि इसने थर्सडे के लो को जरूर तोड़ा, लेकिन ये बुधवार और मंगलवार के लो से ऊपर है। तो अगर आप इसका पैटर्न बनाओ तो बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है दोस्तों। तो फिलहाल अगर इसका ट्रेंड लाइन बनाते हैं हम, जो अभी ये इस वीक के मंगलवार से, तो ये ट्रेंड लाइन क्लियर कट 31,000 पर रेजिस्टेंस दिखा रही है। कहाँ पर? 31,000 पर डेली चार्ट में रेजिस्टेंस आ रहा है, और नीचे का लेवल में ये अब 30,520 पे ही सपोर्ट दिखा रहा है। कहाँ पे दिखा रहा है? ये हो गया एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट। कौन सा? ये चैनल बनाया मैंने, आप देखिए ये चैनल छोटा सा चैनल है, ये सोमवार का कैंडल मैंने छोड़ दिया है, मंगलवार देखिए चैनल में चल रहा है मार्केट, चैनल का हायर एंड अब क्या बता रहा है 31,000, और चैनल का लोअर एंड बता रहा है 30,520। किसका? डेली चार्ट में, बैंक निफ्टी का। ये सब स्पॉट के डाटा है, स्पॉट है ये, फ्यूचर्स नहीं है बॉस, ये फ्यूचर्स के नहीं है, फिगर्स सारे स्पॉट के हैं। तो नीचे का लेवल दिखा रहा है 30,520 के नीचे एक डाउनफॉल की चांसेस है अब, और 31,000 के ऊपर एक ब्रेकआउट का चांसेस है। बहुत ही सिंपल है, डेली चार्ट्स में ये बता रहे हैं ये चैनल, ठीक है? ये जो चैनल बनाया मैंने, इसके हिसाब से आप ये दिमाग लगा सकते हैं। और अभी तक फॉर्मेशन जो देखिए, ये ऊंचे ऊपर की तरफ जा रहा है। ये सोमवार का अगर कैंडल छोड़ दो आप, तो पूरे वीक में देखिए हाई ऊपर की तरफ जा रहा है और लो भी ऊपर की तरफ जा रहा है। देखिए आप, कहीं भी लो नीचे की तरफ नहीं आ रहा है। तो ये अपने आप में दिखा रहा है कि पैटर्न ऊपर ले जाएगा, मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार है। मगर इसको सक्सेसफुली 31,000 के ऊपर क्लोज करने के बाद आप एक बड़ा मूव देख सकते हो, तब तक आप इसको रेंज बाउंड ही बोल सकते हो। और नीचे भी 500 के नीचे अगर क्लोज कर दे तो फिर एक अच्छी गिरावट लाएगी इस पर। तो ये डेली का चार्ट है, अब इसी का मैं वीकली बना देता हूँ बैंक निफ्टी का, क्योंकि पहले बैंक निफ्टी को ख़त्म करते थे हम लोग। जनरली मैं बैंक निफ्टी डिस्कस करता नहीं हूँ, लेकिन आज मैं सोचा कि सब कुछ आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अब वीकली में देखिए दोस्तों, आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। डेली में हमने, डेली में एक चीज़ मैं भूल गया आपको बताना, चलिए मैं एक पहले डेली पर चला जाता हूँ। एक्सट्रीमली सॉरी दोस्तों, एक मिनट ज़्यादा खा गया। बहुत ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, बहुत काम का आपको समझाऊंगा इसका कारण, इतना मैं क्यों बोल रहा हूँ आज प्योरली आपको टेक्निकल। अब देखिए इधर अगर मैं ये चार्ट देखूं, ये पहाड़ से देखिए बैंक निफ्टी में अभी तक जो ट्रेंड था, इस पहाड़ से ये पहाड़ ऊंचा है, ठीक है? फिर इस पहाड़ से ये पहाड़ ऊंचा है, ठीक है? मतलब पिछला टॉप से अगला टॉप ऊंचा ही बन रहा है, अगला टॉप से फिर अगला टॉप ऊंचा बन रहा है। इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि ये पहाड़ का टॉप ये बन गया, ठीक है? तो नीचा बना पहली बार, लेकिन यहाँ अभी भी एक संभावना बची हुई है कि अगर आप यहाँ एक ट्रेंड लाइन टाने इस लो को लेके, इस लो से इस लो को लेके, इससे नहीं, यहाँ तो कैंडल्स कट रही है, तो ये लो पकड़ना पड़ेगा हमको फ्रॉम दिस लो, और ये डेली चार्ट ही है अभी। हाँ, इस लो से इस लो को टच करके अगर मैं ट्रेंड लाइन बनाऊँ तो यहाँ अभी भी ट्रेंड इंटैक्ट है। देखिए ये लो और ये लो, इस लो से ये लो ऊंचा है पहाड़ का,
ईसाई से ये हाई ऊंचा है, यहाँ नीचा आ गया पहाड़, पहली बार पहाड़ नीचा बना है, समझ में आया आप लोग? पहाड़, ये पहाड़ है ना, पहाड़ का टॉप पहली बार नीचा बना है। लेकिन अभी तक आप देखिए इस लोअर ट्रेंड लाइन से जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन जो नीचे की ट्रेंड लाइन बन रही है, नीचे का पहाड़ ऊंचा वाला, वो अभी भी काफ़ी ऊंचा है। इसलिए ये बोल सकते हैं आपको ये उल्लू बनाने के लिए पहाड़ नीचे बना है। ये पहाड़ बहुत ऊपर जाएगा दोस्तों, ये पहाड़ जाएगा 33-34 हज़ार तक, लेकिन ये अगस्त तक आएगा। कितना आएगा? अगर इस पहाड़ का हम हाई टॉप ढूंढना चाहें तो ये पहाड़, अब अगला पहाड़ इसको इतना ऊंचा बनाना चाहिए, तो ये 33 हज़ार के भी ऊपर बनता है, 33,000 के ऊपर जाने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। एक्चुअल वीकनेस बैंक निफ्टी में कब आएगी मैं आपको बता देता हूँ। अगर एक्चुअल वीकनेस आनी है बैंक निफ्टी में तो 30,000 के नीचे ही आएगी, क्योंकि देखिए इस जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है उसमें ये लो से अगर मैं ये लो टच करिया तो 30,000 पे आ रहा है, ठीक है, 30,000 के नीचे ही वीकनेस है। वरना आप 33,000 बिंदास खेलिए, 33,000 अगस्त तक आएगा, ये मेरा चैलेंज है। इट्स माई ओपन चैलेंज टू एवरी एनालिस्ट इन द कंट्री। इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे मेरे पास इसके रीज़न है, लेकिन अभी यूट्यूब में मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ, दैट्स माई प्रॉमिस, लेकिन ये आएगा। ये डेली चार्ट बता दिया आपको, और इसको चैलेंज मत मानिएगा, मैं चैलेंज अपने आप को कर रहा हूँ। एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने यूट्यूब वालों को बोल दिया, फिर कोई नाराज़ हो जाएगा, यार ये तो बहुत ताकत दिखा रहा है, तो मैं नाराज़ नहीं करना चाहता किसी को, आप सब मुझसे ज़्यादा होशियार हो, बट मैं इतना बोल रहा हूँ, ये जो पहला बार डाउन ट्रेंड का पहाड़ बना है, लेकिन आप इसका नीचे का देखिए, नीचे का जो ट्रेंड लाइन इंटैक्ट है, और नीचे बल्कि आपको अभी तक नीचे का ट्रेंड लाइन का लो से बिल्कुल भी बहुत दूर है अभी, ठीक है। अब आप इसमें एक और चीज़ देख सकते हो डेली चार्ट में, बैंक निफ्टी का ये भी इंटैक्ट है, ये देखिए आप, अगर आप इसको एक ये बनाइए, यहाँ से यहाँ तक आया लो, अब ये लो यहाँ तक आए बिना तो मंदी आ नहीं सकती, जब 30,000 को तोड़ेगा तभी मंदी आएगी। अभी तो हम चैनल इस तरह से बना रहे हैं, ऊपर जाने का चैनल बन रहा है, और 31,000 क्रॉस करते ही वापस हम 31,500 को टेस्ट करेंगे दोस्तों, इमीडिएट 31,500 टेस्ट होगा। तो एनीवे दोस्तों, ये डेली चार्ट हो गया। अब इसका वीकली चार्ट में आपको इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, थोड़ा वीडियो आज अगर बड़ा बन जाए तो ज़रूर देखेगा, और मैं आपको बोलता हूँ आपकी नॉलेज बढ़ेगी कम नहीं होगी, क्योंकि प्रमोद जैन कभी कोई टेक्निकल क्लासेस सीखा नहीं है, ना कोई एस्ट्रोलॉजी क्लासेस किया है, सब कुछ अपने दम पे सीखा है, आज तक जीवन में कोई क्लास नहीं किया, तो मैं जो सिखाता हूँ जैसे आप आम जनता है वैसा ही मेरा नॉलेज है, और शायद जो क्लासेस चलाते हैं उनसे ज़्यादा नॉलेज है। तो अब ये बैंक निफ्टी का क्या है, ये कौन सा चार्ट है? वीकली, यानी कि एक कैंडल एक वीक की है, ठीक है। तो वीकली में हमने ये कैंडल कैसा बनाया इस बार? बियरिश कैंडल, ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन इंस्पाइट ऑफ बियरिश कैंडल, अगर आपको मैं दिखाऊं इसके पहाड़, वीकली के पहाड़, आपको अभी डेली वाले पहाड़ दिखाया, तो अब आप देखिए वीकली के पहाड़, ये पहाड़ से ये पहाड़ ऊंचा, ठीक है, यानी कि हायर हाइट, इस पहाड़ से ये पहाड़ ऊंचा, आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे पैटर्न खराब नहीं हुआ अभी तक, इस पहाड़ से ये पहाड़ ऊंचा दोस्तों, करेक्ट, और इस पहाड़ से ये पहाड़ ऊंचा अभी तक, और नीचे का भी आप लेवल देखो, लो का भी, इस पहाड़ से ये, इस लो से ये लो ऊंचा, ठीक है, इस लो से ये लो ऊंचा, ठीक है। वीकली क्लियर कट क्या ट्रेंड दे रहा मैं आपको बता रहा हूँ, इस लो से ये लो ऊंचा, और अभी तक इस लो से ये लो ऊंचा, आपको समझ में आ रहा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? और सिग्नल हमेशा वीकली देता है बॉस, डेली तो आपको इंट्राडे मूव्स बताता है सिग्नल हमेशा, और ये वीकली का जो ऊंचा पार्ट इस बार दिखा रहा हूँ, कहाँ दिखा रहा मालूम आपको? 33,500 के ऊपर दिखा रहा है, अगला पहाड़ जो बनेगा 34,000 तक निफ्टी बैंक निफ्टी जाएगा, ये वीकली भी बता रहा है। लेकिन इस पहाड़ को मैं आगे ले जाता हूँ, तो ये देखिए 32,000 से तो काफ़ी ऊपर जा रहा है, 33,000 के तो ऊपर बन रहे पहाड़, अगला पहाड़। तो ये आपको इसलिए समझाया मैं ऐसा कि, और अब इसको एक और तरीके से समझाता हूँ वीकली को दोस्तों, सब कुछ आज आपको
जो मेरे में नॉलेज है मैं झोंकने की कोशिश करूँगा, और आपको मंदी के चक्कर से निकालना है मुझे, क्योंकि मैं आपको अभी कुछ ऐसा बात बताने वाला हूँ जो आपके दिमाग से मंदी का भूत निकाल देगी। अगर मैं एक चैनल बनाऊँ यहाँ पे, ये चैनल भी बोल रहा है कि 29800 के नीचे नहीं जा सकता ये चैनल। में देखिए आप, अगर अब यहाँ से भी बनाऊँ मैं, देखिए 200 बैंक निफ्टी, देखिए चैनल में मूव कर रहा है। आप देखिए, अगर आप इस चैनल को समझो तो मैं आपको समझा, ये देखिए यहाँ से यहाँ आ रहा है, इस चैनल का मिड पॉइंट पे आया, लो बनाया, इस चैनल का हाई पे आया, यहाँ से करेक्शन आया, ये चैनल के लोअर पे फिर सपोर्ट लिया, फिर नया हाई बनाया। देखिए आप, अब ये चैनल के मिड पॉइंट पे है और अभी तक लोअर बहुत नीचे का है। 29800 के बाद ही बैंक निफ्टी वीकली के हिसाब से ख़राब हो सकता है, वरना बैंक निफ्टी ख़राब नहीं है। और इस चैनल का अगर अब हायर एंड आप देखो, बहुत समझदार लोग समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इस चैनल का अब अगर हायर एंड बनेगा तो वो इतना बनेगा दोस्तों 33,000 के ऊपर बनेगा, क्योंकि 32,000 तो यहीं दिख रहा है आपको, तो ये चैनल ऐसे जा रहा है आपको पता ही है। तो ये क्लियर कट दिख रहा है कि नीचे का आपका रिस्क बहुत कम है, क्योंकि हम ऑलरेडी कहाँ पर खड़े हैं, 30,500-600 के आसपास खड़े हैं, और 29,800 का स्टॉप लॉस बन रहा है आपका हाई 29,800 के नीचे की क्लोज का स्टॉप लॉस बन रहा है। बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है बैंक निफ्टी के हिसाब से, हम 30,600 पे खड़े हैं, कल की क्लोजिंग है। मैं नीचे का स्टॉप लॉस दे रहा हूँ एनी क्लोजिंग बिलो 29,800, और आपको अगस्त तक का एक सीधा सीधा टारगेट दे रहा हूँ अबव 33,000, और इसको आप हर आदमी अपनी डायरी में लिख लीजिए और इस डेट को याद कर लीजिएगा कि आज शनिवार है, और 9:46 पे 13 जुलाई को प्रमोद जैन ऐसा बोल रहा है, वरना मुझे आप गाली देने के हकदार रहोगे। अगर ये टारगेट नहीं आता है और स्टॉप लॉस हो जाता है तो मैं खुले दिल से गाली सुनने के तैयार हूँ, खुले दिल से मैं गाली सुनने के लिए तैयार हूँ। इनफैक्ट मैं 6 महीना यूट्यूब बंद कर दूंगा अगर ये स्टॉप लॉस पहले हो गया तो, यानी कि 29,800 के नीचे की अगर क्लोज हो जाती है बैंक निफ्टी में तो मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा फॉर 6 मंथ्स, और इट्स अ जेंटलमैन प्रॉमिस। लेकिन 33,000 पहले आएगा, ये मेरा ओपन चैलेंज है टू ऑल माई व्यूअर्स, नॉट टू एनी यूट्यूबर्स। 29,800 का तो अभी 30,600 चल रहा है, मैं कितना बोल रहा हूँ आपको, 800 पॉइंट आपकी लोअर एंड पर रिस्क है, जो कि है नहीं, आएगा बिल्कुल नहीं, फिर भी आपके रिस्क है। और मैं टारगेट क्या दे रहा हूँ, अबव 33,200 या 33,000 टिल अगस्त तक। तो आप सिंपली यहाँ जमा करने का टाइम है, और आपको और सेफ होना है तो थोड़ा करेक्शन पे 30,400 के आसपास बाय करिए। फिर भी देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ ये चैनल, देखिए आप खुद देखिए, मैं कहीं अगर आपको लग रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, अगर इसको भी बनाऊँ मैं तो यहाँ तो ब्रेकआउट भी आ चुका है, लेकिन इसको नहीं बना सकते, यही बनेगा परफेक्ट चैनल। यहाँ सारी कैंडल इसमें आ गई, ये देखिए चैनल बिल्कुल एक चैनल पे चल रहा है, आपको मैं समझा सकता हूँ ये, और इसको अगर हम कलर कर दें तो एक बिल्कुल एक चैनल बन रहा है। देख रहे हैं आप लोग, बिल्कुल एक चैनल पे चल रहा है दोस्तों ये। देख लीजिए आप, एक चैनल पे बैंक निफ्टी चल रहा है वीकली में। तो ये लोअर एंड दिख रहा है आपको, ये 29,800 के नीचे बंद हो गया तो मैं हार मान लेता हूँ, और मैं 6 महीना यूट्यूब में नहीं आऊँगा, इट्स माय जेंटलमैन प्रॉमिस, या 1 साल नहीं आऊँगा दोस्तों, इट्स एन ओपन चैलेंज, अपनी स्टडी पे बिलीव है।
29800 के नीचे क्लोज आया था, और ऊपर का आपको दिख रहा है ये 32000 तो यही दिख रहा है, तो ये कितना ऊपर जा सकता है, इतना ऊपर दिख रहा है, तो ये 33500 लग रहा है मुझे, लेकिन फिर भी मैं आपको 33000 का टारगेट दे रहा हूँ। ये 33500 के आसपास आएगा ये टारगेट, क्योंकि 31500 से ये 500, ये 500 33000 को तो क्रॉस करेगा। और ये देखिए वीकली में कहीं वीकनेस नहीं है आपको, डेली में जरूर मैंने दिखाया एक पहाड़ नीचे बना था, ठीक है। ये बैंक निफ्टी का चल रहा है अभी, जरूर वीडियो बड़ा हो जाएगा, लेकिन यहाँ देखिए एक पहाड़ से दूसरा पहाड़ ऊंचा, फिर से दिखा देता हूँ, इस पहाड़ से ये पहाड़ ऊंचा, इस पहाड़ से ये पहाड़ ऊंचा, इस पहाड़ से ये पहाड़ ऊंचा, और इस पहाड़ से ये पहाड़ ऊंचा। अब अगर अगला पहाड़ बनना, क्योंकि जब तक ये लो नहीं काटेगा, कौन सा इस पहाड़ का लो नहीं काटेगा, इस पहाड़ का लो है 28500, तब तक वीकनेस तो एक्चुअली आई नहीं, कौन सा 28500 इस पहाड़ का, ये लो जब तक नहीं कटता है बैंक निफ्टी में कोई वीकनेस नहीं है, क्योंकि ये हायर लो का पैटर्न है। देखिए ये हायर लो, ये हायर लो, ठीक है, इस लो से ये लो हायर और टॉप भी हायर, ये लो से ये लो हायर टॉप भी हायर, और अभी तक तो ये देखिए इस लो से ये लो हायर है, आप देखिए अभी तक भी, तो अब टॉप कैसा बन सकता है ऊंचा। तो इतना डिटेल में आपको समझा रहा हूँ, जिसको समझ में आ रहा है इस वीडियो पे एक की जगह 10 लाइक दे सकता तो देगा, मुझे पता है, फिर भी मैं समझा दिया। अब आ जाते हैं दोस्तों निफ्टी पे, ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग निफ्टी पे। ये निफ्टी का डेली चार्ट है दोस्तों, ठीक है, निफ्टी में कल क्या हुआ ये भी बता देता हूँ मैं, चलिए इसको भी आपके सामने ही बनाता हूँ तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। निफ्टी में भी क्या हुआ, मंडे को वीक की जो शुरुआत हुई 8 तारीख को 770 का हाई, वन का हाई बना, ओपनिंग हाई था इनफैक्ट मंडे का, ओपनिंग और हाई बिल्कुल सेम थे, और लो बना 523 का मंडे को और क्लोज हुआ 558। उसके बाद मंगलवार को इसने 582 का हाई बनाया और 461 का लो बनाया, कितना हाई बनाया 582 का, मंगलवार को हाई बना 461 का लो बना, और ये अभी तक का लोवेस्ट फिगर 461 अब एक बहुत बड़ा सपोर्ट भी हो गया, ठीक है, क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ कि ये 426 को टेस्ट कर सकता था वहाँ पे, जो ये यहाँ गैप फिल अप करना था, जो 17.5 का हाई था, 17 मई का जो हाई था 426 जहाँ से गैप बना था बहुत बड़ा, वो 426 का हाई था, तो अगर ये 461 की जगह 426 आ जाता तो ये गैप फिल अप हो जाता जो बहुत लोग सोच रहे, लेकिन मुझे लगता कि ये गैप अभी तो फिलअप होगा नहीं, ये अगस्त के एंड में या सितंबर के एंड में फिलअप होगा या अक्टूबर तक फिलअप होगा, ये मेरा पर्सनली मानना है, इसमें मैं किसी को कुछ बोल नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो 461 लो बना मंगलवार को, उसके बाद नया बुधवार को 475 का लो था और हाई भी 593 का था, मंगलवार को लो क्या था 461 582, बुधवार को 593 475, यानी कि हायर हाई हायर लो बुधवार को, और गुरुवार को 599 का हाई, यानी कि अगेन हायर हाई, और गुरुवार का लो था 519, अगेन हायर लो, और निफ्टी में फिर शुक्रवार को क्या हुआ 639 का हाई, 640 बोल सकते आप इसको, 640 का हाई और 538 का लो, अगेन हायर हाई हायर लो। तो मंगलवार के बाद जो पैटर्न बना है वो देखिए, अब इसको भी हम एक छोटा सा चैनल बना के देख सकते हैं कि ये कहाँ दिखा रहा है, इसमें एक्चुअल बाइंग करनी कहाँ चाहिए हमको। ये चैनल का लोअर पार्ट ये बोल रहा है कि अब अगर ये, अब तो इसमें ऐसा दिख रहा है कि ये 550 के नीचे भी क्लोज करे तो ख़राब हो गया, 550 के नीचे भी अगर निफ्टी क्लोज करता है तो आप इंटरडे में जो एकदम शॉर्ट टर्म प्लेयर्स है, जो बिल्कुल शॉर्ट टर्म प्लेयर्स है उसको निकल जाना चाहिए। 550 देखिए, 550 ये देखिए, 500 और 600 के बीच में ये लाइन आ रही है, ठीक है। ये चैनल मैंने बनाया जो ये बोला 550 के नीचे की क्लोज इंटरडे प्लेयर्स के लिए निकल जाना चाहिए जो शॉर्ट टर्म है, ये मैं लॉन्ग पोजिशन के लिए नहीं बोल रहा हूँ,
लेकिन जो शॉर्ट प्लेयर्स है उसको निकल जाना चाहिए, और 700 के ऊपर एक अच्छा उछाल आएगा। 700 ये चैनल का जो ऊपर का रेजिस्टेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, 700, नीचे का सपोर्ट क्या आ रहा है, 550। तो भगवान करे, जबकि हम इस वीक का जो लो था पिछले वीक का वो 461 का था, फिर भी मैं क्या बोलूँ, 550 ही अब एक अहम सपोर्ट हो गया, उसके नीचे क्लोज होते ही आप निकल जाइए इंट्राडे शॉर्ट टर्म। ये चैनल वाइज समझा दिया आपको, देखें आपने कैसे बनाते हैं। अब आप आ जाइए इसका, इसमें भी वही कंडीशन हुआ, देखिए दोस्तों ये पहाड़ से ये पहाड़ ऊंचा था डेली में, इस पहाड़ से ये पहाड़ ऊंचा था, इस पहाड़ से ये पहाड़ ऊंचा, लेकिन इस बार पहली बार ये पहाड़ नीचा बना है, और दूसरी बात इस पहाड़ के लो को भी तोड़ दिया भी। तो निफ्टी में कुछ वीकनेस जरूर डेली चार्ट में दिख रहा है। देखिए इसमें एक खतरनाक वीकनेस क्या दिख रही है, इस लो से ये लो ऊंचा था, लेकिन अब इस लो से ये लो ऊंचा नीचा हो गया, तो ये क्लियर कट एक वीकनेस दिख रही है, लेकिन ये उल्लू बनाने वाली वीकनेस है। मैं क्योंकि आपको सब कुछ बताना ज़रूरी है, क्यों बता रहा हूँ कि उल्लू बनाने वाली क्यों है, इसी के हम अब वीकली चार्ट पे आए थे, किस पे आए थे, ये निफ्टी का मंथली है, ये वीकली चार्ट है निफ्टी का दोस्तों, ये वीकली चार्ट आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले तो मैं इसमें चैनल बनाता हूँ आपको, निफ्टी एक बिल्कुल चैनल में मूव कर रहा है, आपको दिखाऊंगा वीकली के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट चैनल में, और अभी तक लो इंटैक्ट है। पहले तो वीकली में आप देखिए, मैं अगर इसको पकड़ता हूँ ट्रेंड लाइन को लो, ठीक है, यहाँ से एक चैनल बन रहा है, और चैनल का लोअर एंड क्या बता रहा है कि 11400 के नीचे निफ्टी जाएगा तभी खराब होगा। क्या होगा, 11400 के नीचे निफ्टी खराब है, वरना नहीं है दोस्तों। तो हम 461 तो देख चुके हैं मंगलवार को, तो कितना पॉइंट बचा, 60 पॉइंट। डरो मत, आप में हिम्मत है तो रुको, जो पोजिशनल प्लेयर है उसके लिए बोल रहा हूँ, जो इंटरडे प्लेयर्स है शॉर्ट टर्म है उसको क्या बोला, 11550 के नीचे की क्लोजिंग भी अब खतरनाक हो जाएगी आपके लिए। और इस चैनल का ऊपर का एंड तो ये भाई साहब, ये तो 12500 के ऊपर ही जाता हुआ दिख रहा है। तो अब आपको मैं बोल रहा हूँ एक सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, आपके रिस्क क्या है दोस्तों, हम क्लोज कितना हुए, अगर हम देखते हैं कल क्लोज कितना हुए दोस्तों, हम कल क्लोज हुए 11550 पे ही। तो मैं यही छोटा सा स्टॉप लॉस दे रहा हूँ जहाँ हम कल क्लोज हुए, वही बोल रहा हूँ इंट्राडे शॉर्ट टर्म प्लेयर्स के लिए क्या बोल रहा हूँ, उसके नीचे की क्लोज ही आपके लिए स्टॉप लॉस है, क्योंकि ये चैनल ऐसा ही दिखा रहा है आपको, दिखा दिया मैंने, है ना, इंट्राडे प्लेयर्स के लिए, ठीक है, या शॉर्ट टर्म जो दो तीन दिन के हिसाब से चलते। ये देखिए ये 11550 के ही आ रहा चैनल, और ऊपर में 700 के ऊपर बड़ी तेज़ी, मतलब तेज़ी बता रही है, 700 को ऊपर क्रॉस करेगा तब तेज है, 700 रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है, ये क्लियर कट आपको दिखा दिया मैंने। तो अब वीकली में मैं क्या बोल रहा था दोस्तों, कि ये चैनल बन रहा है, और ये चैनल का हायर एंड, सॉरी ये चैनल ऐसे जाएगा दोस्तों, ये चैनल का हायर एंड 12500 क्लियर कट दिखा रहा है। आप देखिए बिल्कुल एक चैनल में निफ्टी मूव करा है, और इसमें भी एक चैनल में आपको एक खास बात बता रहा हूँ, आप देखिए ये लो से ये लो ऊंचा है, देखिए ये चैनल में इस लो से ये लो ऊंचा है, देखिए इस लो से ये लो ऊंचा है, और इस चैनल में इस हाई से ये हाई ऊंचा है, इस हाई से ये हाई ऊंचा है, इस हाई से ये हाई ऊंचा है, तो अब अगला हाई इससे ऊंचा यहीं बनेगा 12400 या 500। तो दोस्तों अभी तक तो ट्रेंड इंटैक्ट है। तो आपका छोटा सा स्टॉप लॉस अगर आप पोजिशनल भी है तो एनी क्लोजिंग बिलो 11400, और आपका टारगेट दे रहा हूँ 12400 टिल अगस्त। हो सकता है जुलाई में आ जाए, लेकिन टिल अगस्त हो सकता है जुलाई में आ जाए, लेकिन मैं आपको टारगेट टिल अगस्त दे रहा हूँ, और ये डेफिनेटली आएगा। अगर ये 11400 के नीचे क्लोजिंग करता है तो मैं फिर से वही वाली बात बोल रहा हूँ जो बैंक निफ्टी में बोला, कि मैं एक साल के लिए यूट्यूब बनाऊंगा नहीं, एक साल के लिए
मैं यूट्यूब से त्याग दूंगा। और ये 12400 या 12200 जो नया हाई तो पहले क्रॉस हो गई, बिफोर क्लोजिंग बिलो 11400, बिफोर क्लोजिंग बिलो 11400। ये वीकली है चार्ट, ठीक है। तो दोस्तों अब आपको कॉन्फिडेंस है तो करिए, क्योंकि हम ऑलरेडी 550 पे तो कल क्लोज ही हुए हैं। तो अगर आप पोजिशनल प्लेयर हो, मैं 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, तो कोई बड़ा नहीं दे रहा हूँ। और आपको टारगेट क्या दे रहा हूँ, 12400, यानी कि हम अभी 11000 पॉइंट का टारगेट दे रहा हूँ आपको। तो क्या बुराई है दोस्तों, इतना खुद के ऊपर इल्ज़ाम ले रहा हूँ। अगर ये रॉन्ग होता है और स्टॉप लॉस होता है तो मैं यूट्यूब से एक महीना, यानी कि अपने धंधे पानी से एक महीना दूर हो जाऊँगा, एक साल। अब इसमें भी देखिए दोस्तों, पहाड़ भी दिखा देता हूँ इसके। इस पहाड़ से ये पहाड़ ऊँचा, ठीक है, इस पहाड़ से ये पहाड़, वीकली में कहीं भी ट्रेंड गलत नहीं हुआ है। और इस पहाड़ से अभी तक ये पहाड़ ऊंचा है, और क्योंकि ये लो अभी कटा नहीं है तो ये पहाड़ का लो तो बन गया। तो अब ये पहाड़ का हाई, ये भाई साहब 12500 की तरफ ही इशारा कर रहा है। आप चेक कर सकते हो, 400 तो आना ही आना है, 12400। लेकिन मैं आपको बोलूँ, नया हाई 12103 का हाई टूट जाएगा। ये क्लियर कट आपको समझा दिया मैंने, कैसे देखते हैं मार्केट को। देखिए ट्रेंड ये अभी तक एक चैनल में है मेंटेन, आप देख सकते हो। इससे ज़्यादा क्या समझाऊँ दोस्तों, और बहुत है मेरे पास डिटेल, लेकिन वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो अब सीधे आया था मेरे एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट पर, छोड़िए इसको, है ना। तो सिंपल आपको समझा दिया, इंट्राडे प्लेयर्स जो शॉर्ट टर्म प्लेयर्स है उसको 11550 के नीचे स्टॉप लॉस मान लेना है क्लोजिंग होते ही, जो कि हम क्लोज भी इस फ्राइडे को 11550 ही किए। और 11700 के ऊपर तेजी करना है, 700 एक रेजिस्टेंस है और 550 एक सपोर्ट है जो इंट्राडे प्लेयर्स है, या उसके लिए 700 के ऊपर तेजी, 550 के नीचे मंदी। ये और जो पोजिशनल प्लेयर है, 400 के नीचे की क्लोज आपका स्टॉप लॉस है और 12400 आपका टारगेट है टिल अगस्त। और अभी हम क्लोज हुए 11550 पे, तो 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 1000 पॉइंट का टारगेट। और मैं ये भी बोल रहा हूँ, अगर स्टॉप लॉस हो जाता है विदाउट टारगेट आए, क्लोजिंग बेसिस है दोनों, है ना, तो मैं यूट्यूब एक साल के लिए छोड़ दूंगा। जय जितेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। अब आया था एस्ट्रोलॉजी का एक पॉइंट आपको बताता हूँ, छोटा सा है, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है उसमें मैं, लेकिन आपको दिखाता हूँ। ये मैं बहुत ज़्यादा अहमियत देता हूँ, बाकी लोग को पता नहीं। ये जुलाई को जो मूल नक्षत्र है, यानी कि कल संडे को 7:22 पर मूल नक्षत्र चालू होगा, और कल 6:34 रात को शाम को मूल नक्षत्र चालू होगा। संडे 14 जुलाई से चालू होगा 6:34 से, और 15 तारीख को 7:22 तक रहेगा मूल नक्षत्र। यानी कि पूरा मंडे का जो दिन है ट्रेडिंग का, वो पूरा मूल नक्षत्र में ट्रेड होगा, चंद्रमा मूल नक्षत्र में रहेगा। और मूल नक्षत्र के बारे में आपको ज़्यादा बताने की दरकार नहीं है। तो उस दिन का हाई लो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा मेरे हिसाब से मंडे का। और मंडे के बाद में बाजार को बहुत ज़्यादा तेज़ देख रहा हूँ दोस्तों, खाली तेज़ नहीं देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा तेज़ बोल रहा हूँ। और मैं, मेरे को तो अभी भी विश्वास है कि इसमें भी, इस जुलाई में भी हम 12000 आएंगे, इस जुलाई में भी हो सकता है हम 12000 आए। और वैसे मेरा ओवरऑल टारगेट 12400 प्लस है टिल अगस्त, मैं उसमें सितंबर पे नहीं जा रहा हूँ। तो जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। कल सूरत में ट्रेनिंग है, डिस्काउंट भी है, क्योंकि कल मैं अपने शहर में कर रहा हूँ, इसलिए जो जेंट्स है उसके लिए 20000, जो लेडीज़ है 15000। तो जिस किसी भाई बहन को आना है तो ज़रूर आइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक शेयर करिए, और अपने दोस्तों में दिखाइए और समझाइए। और SBI स्पेशली बुलिश है, प्रमोद जैन आपको कई बार बोल चुका। तो जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।